किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे बिगहेड मछली और सिल्वर कार्प मछली, कतला मछली। तीनों मछली ऊपर के लेयर में रहने वाली मछली है और हम खुद इन तीन मछलियों का फार्मिंग करते हैं और कैसे इसका हम ग्रोथ लेते हैं, भोजन में क्या देते हैं और अब जब ठंडी आ रही है तो हम भोजन में क्या देंगे बिगहेड को, सिल्वर कार्प और कतला को कि इनका जो बढ़वार है, जिस रफ्तार से ये तेज़ी से बढ़ती है उसी तरह से बढ़ते रहे। दोस्तों ठंडी में सिल्वर कार्प बहुत अच्छा बढ़ती है, बिगहेड बहुत अच्छा बढ़ती है, लेकिन कतला का बढ़वार जो है ठंडी में कम जाता है। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे बिगहेड, सिल्वर कार्प और अपना कतला मछली के लिए बहुत अच्छा भोजन के बारे में, सस्ता भोजन के बारे में कि क्या भोजन हम उनके लिए बनाएं और किस प्रकार से कम खर्च में अपने घर पर ही बनाएं इसके बारे में, और हम कैसे बनाते हैं। दो तरीके से बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं। सबसे सस्ता तरीका बताएंगे जो घर पर आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वीडियो में, यहाँ पर हमने ले लिया है दो ड्रम। ये दो ड्रम है और ये मटेरियल तैयार है। तैयार करने से पहले हमने क्या क्या चीज़ डाला था वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर मटेरियल तैयार है, इसमें गोबर है, सरसों की खली है और आपको हम दिखाते हैं ईस्ट इसमें डाला हुआ है। अभी हम इसमें मिनरल मिक्सचर डालेंगे और वीडियो आप देखते रहिए। लोगों का कहना होता है कि आप किस प्रकार से दाना बनाते हैं उसको दिखाइए भी, सिर्फ बताइए नहीं, तो आज हम आपके सामने दिखा रही है। हमने यूरिया डाला इसमें, यूरिया डालते हैं, दोनों ड्रम में यूरिया डालेंगे। ये हमारे नर्सरी वाले तालाब के लिए है, छोटा छोटा ड्रम है आपका, 100 लीटर के आसपास का ड्रम होगा दोनों, तो 100 लीटर का। अगर आपका छोटा सा तालाब है तो 100 लीटर का एक ड्रम ले लीजिए या छोटा छोटा ड्रम ले लीजिए, और उसमें ये SSP या DAP भी आप डाल सकते हैं। DAP डालिए, SSP डालिए, डाई जिसे बोला जाता है, और कोई भी मछली हो आपके तालाब में, ये जो भोजन है घर पर बनाने वाला भोजन है, सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया भोजन जो हर एक किसान अपने तालाब पर तैयार कर सकता है। इसे तालाब पर ही तैयार करना है, अलग तैयार नहीं करना है, अपने घर पर तैयार नहीं करना है। तालाब आपका अगर दूर है घर से तो वहाँ पर तैयार कीजिए। इसे आप एक गड्ढे में भी बना सकते हैं, क्योंकि घर के आसपास क्यों नहीं तैयार करना है, क्योंकि दुर्गंध काफ़ी अधिक आएगा। इसमें सरसों की खली मिला हुआ है, इसमें गुड़ मिला हुआ है, इसमें गोबर की अच्छी खासी मात्रा है और सरसों की खली भी ये मिला रहे हैं, यूरिया मिला हुआ है, DAP मिला हुआ है, तो जब सराएंगे इसे, फर्मेंटेट जब करेंगे तो ये काफ़ी अधिक महकेगा, दुर्गंध काफ़ी अधिक आएगा, तो किसी को परेशानी इससे नहीं होनी चाहिए। और जब आप छिड़काव भी करेंगे तो हाथ में कुछ पहन लेंगे और नाक को भी ढक लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और तालाब में घुसकर इसका छिड़काव करना है। ये जो भोजन है इससे सिल्वर कार्प, कतला, रोहू, बिगहेड, ये चार मछलियाँ अगर आपके तालाब में है तो बहुत ही शानदार आपके मछलियों का ग्रोथ आएगा। इसमें मिनरल मिक्सचर भी मिलाया जाता है, वो जो गोबर वाला आपने देखा वो मिलाया जाता है। अब दूसरे तरह के जो किसान हैं जिनके तालाब में रोहू, कतला, ग्रास कार्प या सिल्वर कार्प, बिगहेड है, वो अगर चाहते हैं कि गोबर हम ना डालें, गोबर नहीं छूना चाह रहे हैं, सरसों की खली ये सब नहीं करना चाह रहे, दुर्गंध से उन्हें सही नहीं रहता है, वो ये सब नहीं करना चाह रहे, तो उनके लिए ये बना बनाया कंपनी का अपना प्लैंकटन पाउडर आता है, जिनके भी तालाब में कतला है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का किसान, कलकत्ता के किसान, वेस्ट बंगाल के जो किसान है वो मछलियों को बड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 किलो 3 किलो का कतला ऐसे ही नहीं कर लेते हैं, वो इसी प्रकार से फर्मेंटेशन करते हैं या फिर ये पैकेट में जो ऑलरेडी बनकर प्लैंकटन पाउडर है इसको डलवाइए, 5 से 6 दिन में आपके तालाब का पूरा पानी हरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक किसान का ऑर्डर पैक हो रहा है, यूपी के किसान है, ये लगभग 50-60 KG प्लैंकटन मंगवाए हैं, उनका पैक हो रहा है, ये जू प्लैंकटन है, इससे आपका कतला मछली, रोहू मछली, इनका भयंकर ग्रोथ आता है। तो ठंडी के रिलेटेड आपको अपनी मछलियों का ग्रोथ चाहिए तो तालाब को उपजाऊ बना कर रखिए, क्योंकि ऊपर से देने वाली भोजन मछलियाँ ग्रहण नहीं करती है। तालाब में मछली का संख्या अच्छा, मछली के भोजन का संख्या अच्छा खासा होगा तो मछलियों का अच्छा खासा बढ़वार भी होगा। तो दो तरीके हमने आपको समझा दिए। अब बहुत सारे किसान भाइयों का ये कहना होता है कि आप सिर्फ दवाई के बारे में बताते हैं। दोस्तों हमने हार्वेस्टिंग भी किया है, हार्वेस्टिंग का भी वीडियो डालते हैं, दवाई के बारे में बताते हैं,
हाँ, अगर हम आपको दवाई के बारे में नहीं बताएंगे तो आप मिनरल मिक्सचर कहाँ से लाइएगा, ईस्ट पाउडर कहाँ से लाइएगा, और लाइएगा भी तो काफ़ी महंगे रेट में आपको मिलेगा। तो ये ज़रूरी है आपके तालाब के लिए, आपके मछलियों के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं कि ये बेकार का चीज़ है, बिना इसके आप नहीं कर सकते हैं अपने मछलियों को किलो, 2 किलो, 3 किलो की। बस आप सोचते रहेंगे कि हमारी मछलियाँ हो, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें लोग मंगवा रहे हैं और हम खुद अपने तालाब में डालते हैं, और ये भी वीडियो डालते हैं कि उसका उत्पादन कैसा हो रहा है। हम पंगास भी पाल रहे हैं तो इन्हीं मेडिसिन के ऊपर, प्लैंकटन पाउडर के ऊपर, फाइटो प्लैंकटन पाउडर के ऊपर, और रूपचंदा भी पाल रहे हैं तो इसी के ऊपर, और 50 क्विंटल से ऊपर हमने उत्पादन लिया है मात्र फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन इन सब पर। और गोबर डालते हैं सही से, सरसों की खली डालते हैं, और आपको सही से सिखाते हैं ये कीजिए। गोबर, सरसों की खली, यूरिया, DAP वाला अगर आप दाना बनाएंगे तो उसमें आपको मिनरल मिक्सचर और ईस्ट पाउडर चाहिए होगा। दूसरा कि जब ये बनाएंगे तो इसमें आपको फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन पाउडर चाहिए होगा। दोनों हमारे पास उपलब्ध है, आपकी मर्जी। आप चाहे गोबर का काम कीजिए, गोबर वाला बनाइए दाना ड्रम में रख के, उसमें ईस्ट और मिनरल चाहिए, डायरेक्ट मंगवाना चाह रहे हैं फाइटो प्लैंकटन और जू प्लैंकटन मंगवाइए और डायरेक्ट डालिए, महीने में 3 बार बहुत अच्छा मछलियों का ग्रोथ आएगा। फाइटो प्लैंकटन हो उससे आपकी जो भी कार्प्स मछलियाँ है, रोहू कतला ये सब, और जू प्लैंकटन हो गया उनसे ये सब मछलियाँ, जैसे कि आपकी रूपचंदा हो गया, पंगास हो गया, इनका अच्छा बढ़वा आएगा। तो हम बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, इसीलिए आपको बताते हैं कि आप भी कीजिए। तो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा भी चाहिए होगा तो रेलवे के माध्यम से, ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसी माध्यम से हम आपके यहाँ तक अंडे वाले कार्टून में करके मछली का बच्चा भेजते हैं। दवाई हम कुरियर पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, पेमेंट हम लोग बच्चा लीजिए, दवाई लीजिए, दाना लीजिए पहले लेते हैं, और हज़ारों किसान हमसे जुड़े हुए हैं, हम पर भरोसा करते हैं, दवाई मंगवाते हैं, और हम खुद कितना उत्पादन ले रहे हैं वो भी समय समय पर दिखाते रहते हैं। किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हैं।